अब माइक आ रहा है भाई, मेरी आवाज को बोल कर मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार साढ़े माता जी बीबी करमजीत कौर जी, बहुत ही सत्कारयोग बौजला साहब एमपी अमृतसर, बहुत ही सत्कारयोग साडे पप्पू जी अश्विनी पप्पू जी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमृतसर साहिब तो, बहुत सत्कारयोग साडे विकास सोनी जी डिप्टी सीएम सोनी साहब के जिहड़े सपुत्र ने नागरा साहब आ गया, बहुत ही सत्कारयोग जी नागरा जी मेरे वड्डे भरा फतेहगढ़ साहब तो साडे एमएलए, बहुत ही सत्कारयोग शेर सिंह घुमाया जी के सपुत्र एमएलए फाजिलका दविंदर घुमाया जी, बलदेव देव जी ते नाल उन्होंने यार बीरा जी साडे एमसी साहिबान नाल राजू जी नाल मेरा ख्याल मल्होत्रा जी पवन जी ते ओ अरुण सीगा क्यों खड़ा मुंडा थले अरुण सारे कांग्रेस पार्टी के साथी कैंसन साडे ढल साहब ब्लाक के प्रधान पहलवान जी चौधरी साहब के साथियों पप्पी पहलवान जी ते मेरे बजुर्गो नौजवान वीरों मेरी माताओं पाड़ो पहला तो थोड़े तो माफी मांगते हैं कि दिते हुए समय तो लेट पहुंचे हैं पर चुनाव दे विच किसी नूं असीं नाराज नहीं कर सकते जो कोई बांह फड़ के लै जांदा भी भाई चाह पीनी है तो पीनी पैंदी सो इस करके थोड़े को हाथ जोड़ के माफी मांगदा तुसीं काफी देर का इत्थे इंतजार कर रहे हो केवल 9 दिन बाकी है और तुसी लोगों ने आपकी वोट का इस्तेमाल करना है और बहुत ही निर्णायक ते फैसला कुल लड़ाई है निर्णायक में इस करके क्या है कि इस तो बाद पंजाब की आने वाली राजनीति ने दिशा लेनी है कि किधर नूं पंजाब जाना है इस चुनाव तो बाद पंजाब बर्बाद हो जाएगा ते जां पंजाब बच जाएगा एक ही गल है अगर तुसी फैसला ले लिया मैं याद है अज भी मेरी नानी की कहानी मैं निक्का जिहा हुंदा सी मेरी नानी दुध चो रही सी मेरी मां की मौत हो गई सी मैं नानी कोले पलिया ते मैं कन्न बना लिया कन्न च डक्का जिहड़ी वाली पौण वाला कम कन्न बिन लिया ते मेरी नानी धार कढ़ी जांदी सी ते मैं आपकी नानी नूं कहा मैं नानी जी कन्न बनाउणा है ते मेरी नानी ने दुध चोंदी चोंदी ने बूट मेरे नहीं चलाता मेरे इत्थे वज्जा आके ते मैं डक्का कढ़ता मेरी नानी नूं पता नहीं लग्गिया मैं कन्न बनाया होया ते ओह कन्न आपे बंद हो गया जो डक्का एक दिन पहला रात नूं बना के आया जानी कि उस तो बाद वो दिन गया मैं कदे कन्न बनाउण बारे जिंदगी च सोचिया नहीं अज उही समय अगर पंजाब दे लोगां ने आम आदमी पार्टी नूं डक्किया ना चोपड़ा साहब पंजाब बर्बादी दे वल तुर पएगा अज वो कम हो रहा पंजाब च जिहड़ा कदे जिंदगी च नहीं होया सी मैनू शर्म आ रही है कुर्ते पजामे पाए अज कदरां कीमतां सिरदियां आम आदमी पार्टी वालिआं ने लुट लिया मेरा पंजाब थानू मैं की दसा मेरी मां कोले खड़ी है धियां भैणां बीबी सुरिंदर कौर जी मेर ये खड़े है मेरी मां ऐसिया ऐसिया घनौनियां हरकतां कर रहे हैं इन्होंने मंत्री साहबान अज सानू शर्म आ रही है असी समाज दे विच मूंह दिखाउण दे लायक नहीं रहे सानू वेख के दुनिया गाह वधदी है चौधरी साहब स्वर्गीय चौधरी साहब संतोख सिंह जी मेरे नानकी पिंड आए सी 1994-95 च मंत्री सन मैं पहली वारी मंत्री की गड्डी ते उदों चढ़िया सी इहो जिहे लोग राजनीति दे विच सन जिन्हां ने आपके कुर्ते ते दाग नहीं लगन दिता अज चौधरी संतोख सिंह आ गया एक साल पुरानी पार्टी जिहड़े 3 मंत्री बर्खास्त हो चुके हैं
ते चौथे भी आज तैयारी है जो हरकत उस व्यक्ति ने की है। मैं ये लगता है कि नक डुबो के मर जाना चाहिए, कोई मजाक की गल नहीं है। साढ़े से इतबार कौन करेगा? अगला कहना कुर्ते पजामे वाले सारे मारे। असि लोगों के घर च जाने हैं, लोगों दिया धीया भेड़ों को मिलते हैं, साढ़े से इतबार करती है, सानू आपके कमरे च ले जाती है, सानू आपके घर वाले भी जे कोई कमजोरी जा तंग करता वह दसती है। क्यों? क्योंकि लीडर से इतबार कर दिया भी मेनू सुनूंगा ते मेरी तकलीफ का हल करेगा। जे पंजाब दिया धीया भेड़ों के बजुर्ग जे सानू वेख के कन्नी टकरा जाएंगे तो कहेंगे इन्हों तो बच के रहो तो साडा जीना नहीं है। एहोजी पार्टी ने प्रवेश कर लिया, ये बदलाव है, एहोजा बदलाव होना सी, एहोजे बदलाव को पंजाब के लोग इंतजार कर रहे सन। हजार रुपए की मैं गल नहीं करता माता जी, हजार रुपए की गल नहीं करता भी हजार नहीं दिता। मैं 2500 रुपया पेंशन की गल नहीं करता कि पेंशन नहीं दिती। मैं नशा बंद की गल नहीं करता, कहते सी नशा बंद कर देंगे, कहते सी 1 अप्रैल तो बाद किसान खुदकुशी नहीं करेगा, मैं वो नहीं गल नहीं कर रहा। कहते सी दलित मुख्यमंत्री बनाओ, डिप्टी मुख्यमंत्री बनावे, वो भी गल नहीं कर रहा। कहते सी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जलंधर खोला जाए, मैं वो भी गल नहीं कर रहा। मैं संदीप नंगल अंबिया जरा मारिया गया, मैं वो भी गल नहीं कर रहा। मैं गल कर रहा कि पंजाब किधर को तुर पिया। मैं मूसे वाला साहब की गल नहीं कर रहा जरा दिन दिहाड़े गोलियां मार के इन्हों की बदौलत मार दिता गया साडा भरा। मैं गल कर रहा कि राजनीतिक बंदा सिर चक के किवें घूमेगा जे ये लोग रह गए। इस तो पहला एक वीडियो हो रही सी, एक एमएलए भी आई सी। सानू सोचना ते विचारना पौगा, मौका है। बच्चा गलती करता होवे जे मौके ते ना टोकिए फिर वो वड्डा गुंडा ते बदमाश बन जांदा है। बच्चा पहली बारी नशा करता होवे जे मां ते बाप ना कुटे तो फिर वो होर नशेरी बन जांदा है। फिर एक दिन शमशान घाट छड़ के आना पैंदा है। जिहड़ियां मावां ते पुत ते प्यो लुकाउंदे आ वी मेरा पुत नशा करता है, जे पहला दिन मर गया होवे वी निकल के रोड चाले मैनूं जेल छड़ के आवां तां शायद वो शमशान घाट ना जावे। अज ये मौका है, पंजाब नूं बर्बादी तो रोक लो। फिर 10 तरीक नूं 4 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रहनी है। मैं पंजाब के भले हस्से खेले, अगर उन्होंने एमपी बन भी जाए कोई फायदा नहीं है एक एमपी का। कांग्रेस पार्टी दियां 47 सीटें, अगर एक वोट साडी होर आएगी तो असी मोदी का मुकाबला करांगे प्रदेश की पार्लियामेंट के। और इस बहाने अगर तुसी इन्हें हराता तो शायद सरकार के नौजवानों कन खुल जान, शायद मुख्यमंत्री मान साहब ये सोचन से मजबूर हो जाए कि पंजाब के लोगों ने मैनू नकारता तो शायद 4 साल रेंदे पंजाब का कोई भला हो सके। कई बार बंदा सियाना भी हो जाता है कि मैनू पंजाब के लोगों ने कुर्सी तो ला देना है। मैं जलंधर हार गया, मैं संगरूर हार गया तो पंजाब का भला हो सकता है। मेरी बेनती है थोड़ी हाथ जोड़ के स्वर्गीय चौधरी संतोख सिंह जिन्होंने अपने परिवार को कदे दाग नहीं लगे दिता। राजनीति च 1 साल च दाग लग जाता थोड़े ते, 1 साल च 100-100 बरे पूरे किए मास्टर गुरबंता सिंह जी होना ने। सो मैं उन्होंने वास्ता देके चंगे लोगों को अगर राजनीति च लैके आवांगे देश का ते पंजाब का भला होएगा। मेरे सरकारी उठाओ सरकार को कोई मुद्दा नहीं है। आ किसान खुदकुशियां कर रहे हैं,
कहते सी किसानों मुआवजा दिया करा फसलां बर्बाद हो गई डिग पिया गिरदावरी कर ली पटवारी नहीं सन लोगों ने कट लिया किसी को रुपया नहीं मिलिया इस तरह की सरकार है मूंगी की दाल से MSP देंगे किसी ने नहीं सुनिया किसी ने नहीं पूछा और बीबी मंत्री एक मंत्री बीबी सी कहती सी असी रातों रात MSP दे दिया करा हर फसल से हर चीज से गगन जी मैं हूं कहनी मैं पता नहीं सी भी MSP मिलती कि मैं गलत कह रहा आम आदमी पार्टी का हाल भाल के लिया एक बब्बर शेर जिन्हों असी चक के लेके गए और रिंकू सिया तेन कोई पुछता नहीं हुंदा सी कांग्रेस पार्टी ने तेन दुध प्या प्या के जवान करके फिर तेन MC बनाया फिर दूजी वाली तेन कौंसलर बनाया फिर साड़ी भैन तेरी धर्मपत्नी बनाया फिर तेन MLA बनाया फिर कई वे लोग टिकट करके तेन फिर टिकट दिखती और तू साडे नाल गदारी करके गए मैं गल सुनता पंजाब के लोगों ने माफी करना तू आप जाने दाल गए उस सियाने कहने मुस्सा पटिया मौत दो ते अगे मौत खड़ी तेरा हाल माड़ा होना ही होना है तेन शीतल अंगराल हरने भी नहीं छड़ना ते तेन केजरीवाल से भगवंत मान ने भी सियानना मेरी गल याद रखी मेरी ये गल तू आप मां धोखा तो मां पार्टी खेने एक मां वो है जी ढिड च रख दी है एक मां वो है जी थानू रुतबा दी तू क्या कहता सी मेरिया फोटो ला दे मैनू कई कहते फोटो ला दे महना मैं यहो जे लोगों फोटो ला के साडा कांग्रेस भवन खराब नहीं करना बंदे की जवान होंगी है क्या करता सी मेरिया मावा कहना 12,000 रुपया लेने फिर झाड़ू वाले बढ़न देने क्योंकि 1,000 रुपए महीने का देना है फिर झाड़ू वाले बढ़ोंगे अज उ सौदा होया केड़ा सौदा हो गया कि तू आपकी मां पार्टी को छोड़ के चला गया केड़ा सौदा किया गुप्त सौदा कि तू कह जे तू घर भर लिया मित्रा जे तू घर भर लिया मित्रा ते तू सौदा कर लिया ते तू समझा कि जलंधर वैस्ट के लोग बिके गए हुण मेरा भरा भट भी इकट्ठा हो गया मैं मेरी गल याद रखी उच्चे बोल ना बोलीए करतार उड़ीए 9 हल्के फलौर तो भी वध जिहड़ी नीड है जलंधर वैस्ट के लोगों ने चुप चपीते गुप्त वोटा पा के देनी है थोड़े तो डरते हैं लोग हथ जोड़न वाले वोटा पाउणियां पसंद करते हैं शरीफा पाउणियां पसंद करते हैं चुप चपीते काम करो मैनू पता है झंडे जबरदस्ती लाए जा रहे मैं गिदड़वे की गल सुना चाहना आंटी थानू गिदड़वे कदे कांग्रेस नहीं जीती 47 साल बाद थोड़ा पुत जीतिया हूं मैं 3 बारी लगातार MLA बने अश्विनी पप्पू जी जेड़े मैं घर से जाता सी सोनी साहब धन्ना साहब हरेक घर से बादल का झंडा लग्या हुंदा सी हरेक फेरे जिते चोन निशान तकड़ी का स्टिकर लग्या हुंदा सी ते मेरी मां मैं जो घरे जाता सी पहली हाथ लाता सी मेरा सिर ते हाथ रखती सी ते मैं आपकी घरवाली नूं आके कहता सी मैं क्या घरे उत्ते झंडा अकाली दल का लगे है अंदर फ्रिज ते फोटो तकड़ी नहीं लगी है ते बेबे सिर मेरा पलूस भी है कि पुत वोट तेनू पावांगे मैं क्या पाउणी नहीं मैं क्या झंडा उन्हां दा है झंडा उन्हां दा डंडा उन्हां दा स्टिकर उन्हां दा फिर वोटा आ रहे दिन वो जेडे आपां पर्चियां कटण दे बंदे लाउणे ते बीबी सुरिंदर कौर भैण जी साडे कोले कोई पर्ची कटाउण नहीं आउंदा खाली पए मेरे बूथ शहर च असीं पकौड़े पकूड़े भी बनाए भी जेड़े आउणगे वोटा पाउण पर्ची कटाउण खवावांगे कोई पकौड़े भी ना खाणा वे ते मैं आपकी घरां नूं आख्या 2012 दी गल आ सरदार साहब मैं क्या अपना काम हो गया चल गए वो माड़ी जी तकड़ी है मेरे नाल वो मैनू कहंदी एवें इन्ने दे विच आपां भगाई कीती हुण 2-4 घंटिया पिछे तुरिया फिर मैं सच जाने हो जदों गिदड़ वावे बक्से खुले मैं 7500 वोट शहर चो वधिया
जारी की चुप चपीते तुम कई कह दें भी झंडा है नहीं अपना अपना झंडा डरते डरा है कहते जे झंडा लाओगे तो साड़ी सरकार है झंडा किसे होर दा ते डंडा किसे होर दा पकौड़े खाते बादलों के टेंपू तो चले बादलों के राजा मेरे को बाजी मार गया 1500 वोटों पर ते नारा आप नारा देने अज नारा देना झंडा छपते वोट हाँ कुत्तो झाड़ू टेडा करना कहदिया मेरिया मावा मेरी नानी ये भी कहती सी कि झाड़ू खड़ा करना नहश है वो पंजाब के लोग आप झाड़ू घरे खड़ा कर दिया बेटे करिए मर जाने थले कर झाड़ू कोई कोई कारा हो जूगा एक साल का झाड़ू तुसी खड़ा करता पंजाब वाले हो वोटा पा के हम झाड़ू थले करने जलंधर थले करने जे ना किया तो पंजाब की बर्बादी होगा मेरी मेरी बेनती है थोड़ा हाथ जोड़ के साड़ी आम आदमी पार्टी है साड़ी आ राजा अपने थोड़े सामने खड़ा है ओ ओजला बैठा है ओजला आ बता ओ मेरा भरा नागरा साहब आई सुनी साहब भेजी नागरा आ बंदा दो बारी एमपी है काउंसलर तो इन्हों का बाप ते इन्हों का चाचा मामा कोई लीडर नहीं सी कांग्रेस ने दो बारी राहुल गांधी ने एमपी बनाया आ कजीत सिंह नागरा दो बारी फतेहगढ़ साहब को एमएलए बनाया देश की कांग्रेस पार्टी का सैकटरी है सीडब्ल्यूसी का मेंबर रहा है बाप की करता सी खेती आ राजा बड़े जीरा बाप सरपंच नहीं सी पंच नहीं सी एमसी नहीं सी तीन बारी एमएलए बनाया आ रिंकू अरोड़ा नूं आम आदमी पार्टी असी है तुसी आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी तां हुंदे जे जलंधर वैस्ट दा कोई झाड़ू मारन वाला मेरा भरा गरीब नूं चक्के टिकर दिंदे तां लोकां ने कहना सी इक झाड़ू गली साफ करन वाले व्यक्ति नूं अज पार्लियामेंट दी टिकट दित्ती है भगवंत मान ने ते केजरीवाल ने वोटा पाउण दा थोड़ा हक बनदा सी ਸਾਡਾ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਤਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਹਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਮਪੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਫਰ ਲੈ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਮਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਲੀ ਦਾ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਵੇ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਆਜਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀਆਂ ਪਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਟਬੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ ਇੱਧਰੋਂ ਟਬੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
जब राज खत्म हो जाएगा। तो मेरी बेनती है थोड़ा हाथ जोड़ के, क्योंकि तो मैं अगले जगह पे जाने जलंधर सेंट्रल का समासी का 8 बजे का उठे जाके भाषण देना, 8:30 हो गए हैं। तो मेरी बेनती है, मैं अपनी मां के हाथ से वोट मांगना है, क्योंकि क्यों इना भारत क्यों है, क्योंकि जेडे चौधरी साहब से ना राजा बड़े सब तो पहला उन्होंने कार च बैठा सी मंत्री वह होंगे जो 95 च, फिर जो चले गए चौधरी साहब उदे सुबह सवक्ते चौधरी साहब ए स्टेज पर खड़ा से साडा बापू ते नारा ला रहे थे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो नारा ला रहे थे चौधरी संतोख सिंह। मैं देखा मैं राहुल गांधी नाल मैं ते विक्रम तुरे आउंदे सी दूरों इन्हां दा सुपुत्र, ते मैं देखा मेरी नजर चौधरी साहब ते पई, ओह नारा ला रहे थे, मैं भज के रस्सा टप के गया, मैं आपके प्यो लेके आया बांह फड़के, बांह फड़के असी जो चौधरी साहब नूं राहुल जी ने वेख्या उन्होंने आपके गले ना ला के उन्होंने मिले, ते चौधरी साहब फिर आपके साथियों नूं मिलाउण लग पे, मिलाउंदे मिलाउंदे महाराज पिछे गए हैं। मैं हुण मेरी अख उन्होंने ते उन्होंने एक कुड़ी नाल गल्लां करदे आ जिहड़ी MPC की तमिलनाडु की और नाम ज्योति मणि सी, उन्होंने कहते ज्योति तेरा की हाल है, ज्योति ने कहा कि चौधरी साहब थोड़ा की हाल है, हजे जवाब ही देना सी ते मेरा प्यो डिग पिया, वो साडा बापू और रंगला साथी वो डिग पिया, ते फिर विक्रम ते असी सारे चक के एम्बूलेंस ते पा के लै गए, पर साथ बापू उत्थे छड गया सी, देश नूं अलविदा कह गया और शहीदी प्राप्त कर गया। जिस तरह की भावना दे विच चौधरी साहब और उन्हां दा परिवार है, मैं समझदा मेरी मां नूं शौक नहीं है चुनाव लड़न दा, जे इलेक्शन लड़ना होंदा तां 40 वरे पहला लड़ने दी कोई रोक नहीं सी, मास्टर करवंता सिंह दी नूं सी, चौधरी संतोख सिंह दी धरपत्ती सी, 97 साल हो गए कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी तो लैके पंडित जी जवाहरलाल नेहरू तो लैके ये प्यार कर रहे हैं लड़ लेंगी, लेकिन कोई शौक नहीं सीगा। ये चौधरी साहब के नाल उन्हें भी मदद करते सी, सेवा की थी, पढ़ाया लोगों प्रिंसिपल होके प्रोफेसर बन के, एक DPI रिटायर हुए मेरी मां सेवा की थी समाज की, पर हुण इस करके इलेक्शन लड़ रही है। चौधरी साहब के सपने चौधरी साहब के मन के बलबले लोगों के दमकार करने सन, अधूरे पे कमां नूं देश की पार्लियामेंट में जाके पूरा करने वास्ते मेरी मां चुनाव लड़ रही है। मेरी हक जोड़ के बेनती है थानू जलंधर वैस्ट आ रहे हो, जलंधर वैस्ट चो एक फतवा जाना चाहिए कि असी बेईमाना नाल ते ठगा नाल नहीं है, असी गदार लोगों नाल नहीं है, असी दोगड़िया नाल नहीं है, असी सच ते चलन वाले उन्हां लोगों के नाल खड़ा गए जिन्होंने सच्चाई का मार्ग फड़िया, सच का मार्ग फड़िया, जिन्हे सेवा करना चाहते ने असि उन्होंने 10 तरीक को वोट देंगे, और एक एक वोट पंजे का बटन दबा के मेरी मां बीबी करमजीत कौर जी को कामयाब करना, फिर आवे दोवे मां पुत तीजा विक्रम सारे असी लीडर, फिर राहुल गांधी जी का भी स्नेह है, कर्नाटक च इलेक्शन च बिजी है, उन्होंने कहा मेरे अन्ने जलंधर वासियों एक स्नेह दे कि बीबी करमजीत कौर जी वोटा पा के जिताओ, मैं जलंधर के लोगों का आके धन्यवाद करके जावांगे, ये राहुल गांधी का स्नेह है। सो मैं आस करता कि तुम सारे पंजे का बटन दबा के साड़ी इस मां नूं जिताउण दा काम करोगे, इन्हें शब्दों के नाल हाजरी करो प्रवान, थोड़ा सारे का धन्यवाद, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, जय भीम जय भारत।